नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेफ्टिनेंट जनरल हनु सिंह के बारे में, जो भारतीय सेना के वो भीष्म पितामह कहे जाते हैं जो 1986 में भारत और पाकिस्तान के नक्शे को बदल देते। इसीलिए 1971 की लड़ाई में लेफ्टिनेंट जनरल हनु सिंह को महावीर चक्र मिला था और उनके जूनियर ऑफिसर अरुण खेत्रपाल को परमवीर चक्र। आज हम इस वीडियो में जानेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हनु सिंह के बारे में, जिनकी दहशत से पाकिस्तान आज भी कांपता है। और ये ऐसे योद्धा हैं जो सदियों में केवल एक बार पैदा होते हैं। हनु सिंह को भारतीय सेना का भीष्म पितामह कहा गया, जिन्होंने सेना में अपना सर्वस्व झोंकने के लिए विवाह नहीं किया। भारतीय सेना के 12 सबसे चर्चित अफसरों की जीवनी लीडरशिप इन द आर्मी के लेखक रिटायर्ड मेजर जनरल वी के सिंह ने कहा कि अगर कोई एक लफ्ज है जो हनु सिंह के बारे में समझा जाए तो वो है सैनिक। वे आगे लिखते हैं कि हनु सिंह सेना अध्यक्ष तो नहीं बन पाए, पर लेफ्टिनेंट कर्नल रहते हुए भी वे एक किदवंती बन गए थे। ऐसा 1971 में हुआ जब हनु सिंह 17 पूना हॉर्स के सीओ थे। बैटल ऑफ बंस्तर की उस मशहूर लड़ाई में दुश्मन से घिरे जाने के बावजूद अपने हर जूनियर ऑफिसर को एक इंच भी पीछे हटने के लिए इन्होंने मना कर दिया था। इसी लड़ाई में सेकंड लेफ्टिनेंट अनुन खेत्रपाल को अदम्य साहस का परिचय देते हुए मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। इस जंग में शानदार नेतृत्व के लिए कर्नल हंटी यानी कि हनु सिंह को महावीर चक्र मिला था। अब बात करते हैं 1986 की, जब भारतीय सेना इतिहास में सबसे बड़े युद्ध अभ्यास ऑपरेशन ब्रास टैक्स के चलते पाकिस्तान पर लगभग हमला करने से कुछ कदम पीछे रह गई थी और इसमें हंटी यानी कि हनु सिंह की अहम भूमिका थी। 1 फरवरी 1986 को जनरल के सुंदर जी ने भारतीय सेना की कमान संभाली और राजस्थान में लगी हुई पाकिस्तानी सीमा पर तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास करने की योजना बनाई। सुंदर जी बदलते दौर की युद्ध शैलियों, एयरफोर्स की एलिट असॉल्ट डिवीजन और रीऑर्गेनाइज असॉल्ट प्लेन्स इन्फेंट्री डिवीजन को आजमाना चाहते थे। इस संयुक्त युद्ध अभ्यास की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल हनु सिंह के हाथों में सौंप दी गई। इससे पहले एक उच्च स्तरीय मीटिंग में हनुत और सुंदर जी की किसी बात पर बहस हो गई। तब फौज में ये बात अफवाह की तरह फैल गई कि हनुत अब रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन वे सुंदर जी के पेशेवर ऑफिसर भी थे। उन्होंने हनुत का सुझाव नहीं माना और उन्हें प्रमोट भी कर दिया। तयशुदा प्लान के तहत 29 अप्रैल 1986 को हनुत ने भारतीय सेना की सुप्रतिष्ठित हमलावर 2 कोर की कमान संभाली और इसे लेकर राजस्थान की सीमा पर आ डटे। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 1.5 लाख भारतीय सैनिक सीमा पर जमा हो गए थे। हनुत ने अभी तक जो भी सीखा था उसे इस युद्धाभ्यास में इस्तेमाल किया। रोज नए अभ्यास कराए जाते थे, नक्शे सैंड मॉडल बनाकर हमले की प्लानिंग की जाती थी और जवानों को गहन ट्रेनिंग दी जाती थी। ब्रास टैक्स जो युद्ध अभ्यास था वो कई चरणों में था। अब ये युद्ध अभ्यास चौथे चरण में पहुंचा तो उनकी कोर को उस प्रशिक्षण से गुजरना था जो अब तक नहीं हुआ था। भारत के तीखे तेवर देखकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी सेना हनुत का युद्ध कौशल 1971 में देख चुकी थी, जब बसंतर की लड़ाई में हनुत ने उनके 60 टैंकों को मार गिराया था। इस युद्ध अभ्यास को सीधे तौर पर संभावित भारतीय हमला समझा गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार के पसीने छूट गए। कहते हैं कि पाकिस्तानी संसद में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रोजाना बयान देकर देश को भारतीय सेना ऑपरेशंस की जानकारी देते थे। इस ऑपरेशन ने अमेरिका तक की भी नींद उड़ा दी थी। पश्चिम के डिप्लोमैट भारत की पारंपरिक युद्ध की ताकत से हैरान हो गए थे। उनके मुताबिक ये युद्ध अभ्यास नाटो फोर्सेस के अभ्यासों से किसी भी प्रकार से कम नहीं था, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में यह तब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास था। पाकिस्तान ने ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया और बड़ी मुश्किल से इस युद्ध अभ्यास को रुकवाया। सुंदर जी इसे सिर्फ एक अभ्यास की संज्ञा दे रहे थे, पर जानकारों के मुताबिक इस युद्ध अभ्यास का असली मकसद कुछ और ही था। इस एक्सरसाइज को रोकने पर हनुत और उनके ऑफिसर बड़े मायूस हुए। वीके सिंह लिखते हैं कि हनुत का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए यकीनन कहा जा सकता है कि अगर हनुत को इजाजत मिल जाती तो वे दोनों मुल्कों का नक्शा बदल देते। नहीं चलने दी सरकारी अधिकारियों की। यह किस्सा 1982 का है, जब हनु सिंह मेजर जनरल बने थे और सिक्किम में तैनात 17 माउंटेन डिवीजन की कमान उनके हाथों में थी। सिक्किम के तत्कालीन गवर्नर होमी ताखियान की इंदिरा गांधी के साथ नजदीकियों के चलते सेना के उच्च अधिकारी उनके हाजिरी में खड़े रहते थे। उन दिनों जो भी सरकारी अधिकारी सिक्किम घूमने आते थे वे सेना की मेहमानबाजी का लुत्फ उठाते थे। हनु सिंह ने ये सब बंद करवा दिया, बल्कि उन्होंने आने वाले सरकारी सैलानियों को सरकारी शुल्क भी वसूलना शुरू कर दिया। सिक्किम में फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना का हाल खराब था, ना ही रहने के लिए मुकम्मल इंतजाम था ना ही बिजली की व्यवस्था थी। हनु सिंह ने
सेना के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर हालात सुधारने की बात कही तो उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर ने मना कर दिया। हार कर जब उन्होंने किसी से कोई सहायता नहीं मिली तो उन्होंने लकड़ियों से सैनिकों के लिए बैरक और शौचालय बनवाए और वहां पर जनरेटर लगवाया। हनुज सिंह का मानना था कि सैनिक अगर शादी कर लेता है तो परिवार सेवा देश सेवा आड़े आती है, लिहाजा वे आजीवन कुंवारे रहे। वे अपने जूनियर अफसरों को भी यही सलाह देते थे। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी यूनिट में काफी सारे जवान और ऑफिसर उनके इस फैसले से प्रभावित होकर कुंवारे ही रहे। इस बात से जूनियर ऑफिसरों के माँ बाप हनुज सिंह से परेशान रहे। कईयों ने शिकायत भी की पर उनकी सेहत पर इस तरह की शिकायतों का कोई असर नहीं होता था। 1971 की लड़ाई में जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसमें लिखा कि सेना के बड़े ऑफिसर जंग खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही बॉर्डर पर आए थे। इस बात से उनके कई वरिष्ठ ऑफिसर उनसे नाराज हो गए, पर हनुज को अपनी काबिलियत का बखूबी अंदाजा था जिसके चलते किसी के प्रभाव भी नहीं करते थे। कई बार तो बात यहाँ तक बढ़ जाती थी कि उनके ऑफिसर उनकी फजीहत रुकवाने के लिए बैठ के खत्म कर देते थे। 1971 में उनके कमांडिंग ऑफिसर अरुण श्रीधर वैद ने एक बार जंग के दौरान उनसे हालचाल मालूम करने की कोशिश की तो हनुज ने कहलवा दिया कि वे पूजा कर रहे हैं और अभी बात नहीं कर सकते। दरअसल जंग के दौरान किसी भी प्रकार का दखल बर्दाश्त वे नहीं करते थे। हनुज की काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय टैंकों की लड़ाई पर उनके लिखे दस्तावेज आज भी इंडियन मिलिट्री अकादमी में पढ़ाए जाते हैं। इतनी काबिलियत के बावजूद हनुज सिंह सेनाध्यक्ष नहीं बन पाए। कहते हैं कि जब उन्हें ये बात मालूम हुई तो उन्होंने बड़े ही धीरे स्वर में बोला, ये मेरा नहीं देश का नुकसान है। उन्होंने काबिलियत के बजाय किसी और चीज को प्राथमिकता दी और ये तय किया कि हर काबिल ऑफिसर सेनाध्यक्ष नहीं बनता और हर सेनाध्यक्ष काबिल नहीं होता। दोस्तों, हनुज सिंह आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी वीरता और उनकी गौरव गाथा हम सबको जानना बेहद जरूरी है। इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल हनुज सिंह के लिए वीडियो को एक लाइक बनता है और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार तक भी शेयर करें। ऐसे वीर योद्धा जैसे कि मैंने कहा कि सदियों में केवल एक बार जन्म लेते हैं,